सो हेलो यूट्यूब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो राइट नाउ अभी मैं हूँ कुछ ऐसी सी लोकेशन में एंड ठीक पीछे हमारा ऐसा व्यू है, एक मंदिर है एंड सामने वाटरफॉल है एंड वो है हमारी स्क्वाड एंड वो है हमारी कार। सो अभी हम निकल रहे चंबा वैली की साइड को। सडनली प्लान बन गया हमारा, एकदम से सारे हम तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे कांगड़ा में और एकदम से प्लान बन गया कि चंबा साइड निकलते हैं और वहाँ पर घूम वगैरह के आएँगे। सो अभी हमने यहाँ पे चाय वगैरह कराई थी, थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे हम और मैंने ब्लॉग भी यहीं से कंटिन्यू किया बनाना और यहाँ पे मंदिर वगैरह था तो यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं और टाइम भी 5 बज चुके हैं और आगे तो बहुत रास्ता ख़राब आता है। सो जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी एंड निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि रात हो जाए इससे पहले, क्योंकि रोड कंडीशन भी बहुत बहुत ख़तरनाक है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे चैंग भाई, अक्षय चैंग। कैसा नज़ारा दिखा इनको, नज़ारा तो बहुत प्यारा है, शेप भूमि चंबा। और गाड़ी चलाते हुए प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई? यार खतरनाक रोड तो काफ़ी खतरनाक है यार, रोड तो खतरनाक है, अभी तो इतने नहीं है बट आगे चल के तो बहुत खतरनाक आते हैं रोड्स और हाइट भी काफ़ी है। सो पीछे राहुल बैठा हुआ है एंड हम तो ऐसे बैठे हुए थे कांगड़ा साइड और एकदम से सडन प्लान बन गया कि चलते हैं कहीं घूमने डलहौजी साइड, थोड़ा फन वगैरह करके आते हैं। सो सारे तैयार हो गए एकदम से ही चलते हैं और बस ऐसे ही हम चल पड़े आप। और रोड कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हैं, और ये पहाड़ भी अलग टाइप के हैं, थोड़े अजीब से पहाड़ है, मतलब दिल का खुश हो जाता है और ये सारा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। सो यार अभी इस पॉइंट पे पहुँचे हम और मैंने गाड़ी रुकवा दी क्योंकि मेरे को एक व्यू दिखाना था। ये पहाड़ देखो यार कितने सेक्सी से हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, मतलब अलग तरह के पहाड़ से हैं कुछ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि एक पत्थर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे पूरे, मिट्टी के ऊपर ना छोटे पत्थर भी पड़े ऐसे लगे हुए हैं ये। हाँ मिट्टी के ऊपर जमे हुए हैं पत्थर वगैरह भी ना पूरा ऊपर से। चलो चलते हैं, ऐसे ऐसे तो बहुत नज़ारे दिखेंगे हमें आगे। चंबा एक उस साइड से भी और एक इस साइड से ना, बट अगर यहाँ से चौंक है एक चंबा इस साइड को और एक इस साइड को है, बट वो वाला थोड़ा डेंजरस है रास्ता। सो ये वाला थोड़ा हाईवे से होके जाता है, वो जोत से होके जाता है तो काफ़ी डेंजरस रोड है वहाँ पे। सो जो हमने ककीरा वाला रास्ता पकड़ा था जोत वाले रास्ते को छोड़ के, जो ककीरा वाला रास्ता था वो यहाँ पे मिला है मेन रोड में। सो ये पूरा हाईवे आगे तक और ये आगे चमेरा डैम में निकलेगा। सो हमारा आज का डिसाइड यही है प्लान कि आज हम रुकेंगे चमेरा डैम में, क्या बोलते हैं चमेरा डैम के आसपास देखेंगे कोई होटल अच्छा सा मिल जाए, होटल वगैरह रखेंगे हम वहाँ पे, आज वहाँ पे चिल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम डलहौजी वगैरह साइड को निकलेंगे। और यहाँ से डेंजरस रूट स्टार्ट हो रहे हैं और डेंजर पॉइंट्स जिसे कहते हैं 8-10 होंगे शायद। कोई बात आ गई ना बोलते आंख लगी दुर्घटना घटी ऐसे बोलते हैं। सो आप ये जितना भी डैम वाला एरिया देख रहे हो ये सारा चमेरा डैम का पानी है, ये जो पिलर के आगे आप जितना भी रिफ्लेक्टिव मटीरियल देख रहे हो सारा वाटर है चमेरा डैम का। एंड यहाँ पे हम और ऐसी कुछ चंबा वैली की वादियाँ हैं, अभी तो मेन वादियाँ आगे से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े थे। तो चलो भाईजान चलाओ गाड़ी। फिर बोनी सर ठीक हो आप पीछे? बोनी बस ये पूछ रहा है कितने किलोमीटर रह गया, कितने किलोमीटर रह गया। यार पीछे बैठ के वैसे भी बंदे का दिमाग ख़राब होता है गाड़ी में ना यार, और जैसे हम चल रहे हैं तो टूटी फूटी गाड़ियाँ हमें दिखाई जा रही है ऐसे ही है। सो यार इस लोकेशन में पहुँचे अभी हम एंड ऐसे कुछ व्यू है एंड यहाँ से स्नोफॉल मतलब हो रखा होगा यहाँ पे। सो बड़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरी हुई है यहाँ पे रास्ते में एंड ये दिखाने के लिए रुका था मैं स्पेशल, अगर आप बस की छत देख सकते हो ना ये पूरी स्नो से भरी हुई है। सो इनसे पूछते हैं ये कहाँ पे कहाँ से आई है बस वगैरह। भाई ये बस कहाँ से लेके आए आप? डलहौजी से। डलहौजी से? अच्छा डलहौजी में गिरी है पर, अच्छा पूरी छत भरी हुई है ना, तीन दिन फंसी गई कल शाम को उतार रही थी। अच्छा अच्छा, और जैसे आप आगे की साइड जा रहे हैं यहाँ पे तो नहीं मिलेगी बर्फ़ वगैरह? रोड पे नहीं होगी, रोड पे नहीं है, ठीक है। डलहौजी तक भी बस स्टैंड तक आपकी छोटी गाड़ी जाएगी। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। तो अंकल बता रहे हैं कि डलहौजी से आए हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह हो रखा होगा ना, तो वहाँ पे 2-3 दिन ये बस वहाँ पे फंसी होगी। सो आप बस का छत देख के लेवल बता सकते हो यार कितनी फुट की बर्फ़ गिरी होगी, बट ये बोल रहे हैं आगे साइड बर्फ़ तो मिलेगी आपको बट रोड्स क्लियर हो गए हैं सो इतनी बर्फ़ वगैरह नहीं होगी आगे। सो चले चलो भाई। क्या बोल के रहे थे? ये बोरा डलहौजी से आए हैं। अच्छा। और 3 दिन फंसी हुई थी बस वहाँ पे डलहौजी में ये। हाँ तो टोल टैक्स जी भैया 15 रुपये ठीक है खुले। हाँ
सो ये है बनीखेत का टोल टैक्स। वेट रोजी सीधे ही नो भाई, बर्फ आके भी है। हां जी हां जी है। गाड़ी निकल जाएगी? जाना कहां? ये जाना हमने चमेरा, निकल जाएगी। बस यहां से बर्फ वगैरह स्टार्ट हो गई है, आगे मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूं। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I'm सारा बर्फ वगैरह गिरी हुई है रास्ते में। सारा बर्फ ही बर्फ है, बट एक चीज़ ठीक है कि रोड्स क्लियर हैं यार। क्लियर कर दिए, नहीं बोलते रहे थे वो दो तीन दिन बंद थे, क्योंकि छोटी गाड़ियां बहुत जल्दी फंस जाती है ना बर्फ में, बट हमें कोई डर नहीं है इसका। इसे चक्कर में जो पानी की बोतल रखना बाहर, गर्म पानी ठंडे हो जा रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया जम जाएगा यार ये। शुक्र है बाइक्स में आए हैं, पहले बाइक्स में आने वाले थे बट आज मेरे पास कार थी, तो होपफुली हम कार पे आए हैं। एंड जैसे कि चंबा 46 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ओ किले के लास्ट, एंड डलहौजी को जाता है राइट हैंड साइड को रास्ता यहाँ से, बट हमने जाना है स्ट्रेट क्योंकि चमेरा डैम यहाँ से सीधे है। सो आज का स्टे हमें वहीं चाहिए, एंड सुबह उठ के मॉर्निंग व्यू हमें पूरा डैम का चाहिए, और सुबह उठ के हम शायद होपफुली बोटिंग वगैरह भी करेंगे। अगर जैसे कुछ रास्ते से चले हैं यार, क्या मज़ा आ रहा है, क्या बोलते हो? वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल। बर्फ़ का लेवल देख के आप देख सकते हो यार कितने की फुट की बर्फ़ है ये। क्लियर हो गया रास्ते, तो बंद होने से शॉर्ट क्या बोलता। बर्फ़ का लेवल देख के तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर आज रात को स्नोफॉल हो गया तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे कम से कम 3-4 दिन के लिए। ऐसा कुछ रास्ता था ना, मतलब कोई शॉप्स वगैरह नहीं नज़र आ रही थी आसपास, और हमें भूख वगैरह भी बहुत लगी हुई थी। सो एट द एंड एक शॉप हमें ये मिली है, एंड यहाँ पे नॉन वेज है, सो अभी नॉन वेज की बहुत ज़रूरत है हमें। वो मीट एंड चावल खाएंगे, मटन एंड चावल। टेंट से थोड़ा हम ढूंढ रहे थे मीट चावल, जो कि मिल नहीं रहे थे, जो मिल चुके हैं यहाँ पे हमें। इस टाइम हमारा खाना, तो बस अभी हमने मटन चावल मंगवाए थे, इसको खा के हम सीधे डायरेक्ट निकलते हैं। जैसे हम सोच रहे थे टेस्ट वैसा ही मिला हमें, टेस्ट मिला है। सो बस अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, एंड आगे साइड अभी होटल्स वगैरह देखते हैं, होपफुली मिल जाए आगे साइड होटल्स वगैरह में, क्योंकि हमने मेन चमेरा में होटल लेना है, एंड देखते हैं अब आगे। और ऐसा कुछ व्यू है, पूरी वैली का लाइट्स वगैरह दिख रही हैं। सो चैंग की ड्यूटी अब यहाँ से ऑफ हो गई है, अब कार मैं चलाऊँगा। चले वो नहीं चले, कैसी है ठंड? बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। वो मैं चॉकलेट रखी थी दो यहाँ पे, बड़ी पीछे रख दी पीछे। सो यार एक जगह पे हम पहुँचे हैं चमेरा में, एंड ये होटल है यहाँ पे। सो इनको पूछते हैं कि रूम्स वगैरह हैं अवेलेबल कि नहीं है। भाई व्यू वगैरह दिखता है इस कमरे से? तो ये है हमारा रूम, आज के लिए हमने ये रखा है चमेरा डैम में। सो ये पूरा रूम है, एंड ये वॉशरूम है, एंड ये बालकनी है। बालकनी बहुत प्यारी, यहाँ से पूरा चमेरा डैम का व्यू आएगा। है तो बड़ी अच्छी ना, देख रेत नहीं है, पीक आ गया है ना, सीधे नीचे पहुँचना है। वैसे ये सारा नीचे जो आप देख रहे हो लाइट्स वगैरह जली है, पूरा चमेरा डैम है। सुबह उठ के पूरा मॉर्निंग व्यू मिलेगा, एंड सामने चंबा है पूरा। सो अभी तो ठंड बहुत है, एंड फिलहाल हम रेस्ट वगैरह करते हैं, एंड सुबह देखते हैं अभी चमेरा डैम का व्यू वगैरह सब कुछ। रॉबिन ब्रो, ब्रो Good day.
तो अभी राहुल अपने घर से ड्रायर लेके आया था और इसने बहुत अच्छा तगड़ा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे ये पूरा इसने बहुत ठंड है ब्लैंकेट के अंदर डाला हुआ इसने पूरा बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और पूरा गर्म हो गया है लिटरली पूरा गर्म हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार बहुत ठंड है तो ठंड से एकदम से बाहर से आए हम और एकदम से हमारे चाय भाई कुछ कर रहे हैं यहाँ पे रेडी कर रहा है खाने पीने का सामान सारा तो हमने इसको वेटरिंग पूरे कैटरिंग का ड्यूटी दी हुई है उस टाइम तो बस ऐसा ही है और इसने पूरा ब्लैंकेट वगैरह गर्म कर दिया है शाबाश बोनी दिमाग है भाई थैंक्स ब्रो अभी रात के टाइम पे हमने थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह मंगाए हैं खाने पीने के लिए क्योंकि रास्ते में हम बड़ा कुछ खा के आए थे और इतनी अभी भूख वगैरह भी नहीं है एंड ये स्नैक्स कब जैसे और क्यों खाते हैं आप सब काफ़ी समझदार हो सो बस इतना ही था एंड यहाँ पर मैं ब्लॉग अपना एंड कर रहा हूँ सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड कल का भी बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालूंगा मैं सो अभी रेस्ट वगैरह करते हैं एंड सुबह मैं आपको पूरे चमेरा डैम का व्यू वगैरह दिखाऊंगा सो टिल देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से